आखिर देश में गरीब कौन है? अगर आपको कह दिया जाए कि देश में सबसे गरीब लोगों की पहचान करो, तो आप कैसे करेंगे? क्या देश में हमारे देश में गरीब है, या हमारे देश गरीब है, या हमारी देश में रहने वाले लोग गरीब है, या जो गरीब के बारे में सोचते हैं वो गरीब है? आखिर इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब पीएमओ को एक व्यक्ति ने लेटर लिखते हुए कहा कि 100 लोगों की पहचान की जाए देश की, और वो सबसे 100 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को मेरा पैसा दिया जाए, तो पीएमओ को क्या रिप्लाई आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, राजस्थान के एक रिटायर्ड टीचर ने पीएमओ दफ्तर में लेटर लिखते हुए कहा कि देश के सबसे 100 लोगों की पहचान की जाए और मेरा पैसा उस 100 में से किसी एक व्यक्ति को दी जाए जो सबसे गरीब हो। तो इस पे उसने लेटर लिखते हुए कहा कि जो भी सबसे ज़्यादा गरीब होगा उसी का मेरा पेमेंट का पैसा दिया जाएगा। उसने अपने पेमेंट में से 1,00,000 रुपए जो था वो गरीबों की दान के लिए ये लेटर में लिखते हुए ये कहा कि सबसे 100 लोगों की पहचान की जाए और उसमें सबसे 100 लोग जो गरीब होगा उसमें से किसी एक गरीब को ये पैसा दिया जाए। तो पीएमओ दफ्तर ने उस पैसों को अपने पीएमओ दफ्तर के कोष में जमा करवा दिए, लेकिन वो पैसा किसी गरीब को नहीं दिया गया। फिर उसने जब वापस दोबारा लेटर लिखते हुए ये कहा कि मैंने पीएमओ कोष में जमा करने के लिए वो पैसा नहीं दिया था, मैंने गरीब की पहचान कर 100 में से किसी एक गरीब को देने के लिए कहा, तो वो क्यों किया गया? तो इसमें पीएमओ दफ्तर ने उसको लेटर लिखते हुए ये कहा कि किसी गरीब 100 में से किसी गरीब की ऐसे पहचान नहीं हो सकती, मैं आपको ऐसी कोई गरीब की पहचान नहीं करा सकता जो सबसे गरीब हो, और ये कहते हुए उनका चेक वापस लौटा दिया गया। तो इस पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताना, क्योंकि 100 लोगों में से इतने बड़ा देश में पहचान नहीं हो सकती। ये बात सही है कि गरीब तो सब लोग कह देंगे, लेकिन किसी एक गरीब की पहचान करना मुश्किल है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइएगा, और उनकी क्या राय है जो अपने पेमेंट में से वो दान करना चाहते थे और वो इस 100 में से एक ही गरीब को क्यों चुनना चाहते थे, तो इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा।